हम हैं ग्राम पंचायत मंडार में, हमारे साथ में है ग्राम सचिव रतन सिंह। कुछ बताएंगे सर, वो ग्राम कमेटी और निगरानी कमेटी जो बनी उसके बारे में। ग्राम पंचायत मंडार में 4,345 परिवार है, उनमें से हमने 4,345 का पूरा सर्वे कर दिया। उनमें से 304 व्यक्ति जो वहाँ रहते थे वो यहाँ मंडार में आए हैं। तो 304 व्यक्तियों के लिए हमने निगरानी 4 कमेटियाँ गठित की है। उसमें हमारे माननीय वार्ड सदस्य है, उप सरपंच जी है, एक अध्यापक जी है और राशन डीलर है, और मैं स्वयं हूँ, पटवारी जी है। और उनको हमने परिवार बांट दिए हैं, 10-10, 15-15 परिवार आ रहे हैं उनको, और वो सुबह से हम निगरानी रखते हैं उनकी। और उनको पाबंद किया है कि वो 14 तारीख तक घर से बाहर नहीं निकले और दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आए। उसके अलावा कुछ क्या? उसके अलावा जो आइसोलेशन राजेश्वरी स्कूल में रखा है उसमें टोटल 24 व्यक्ति रखे हैं। उनको सुबह शाम भोजन की व्यवस्था की जाती है, बिस्तर है, पानी है, नहाने का साबुन है, तेल है, टूथब्रश पेस्ट है, सब हमने उनको अवेलेबल करवा दिया है और उनके लिए बढ़िया व्यवस्था की है। और मैं स्वयं वहाँ जाके आया हूँ और देख के और साफ सफाई करवा के और बढ़िया वो रह रहे हैं। टोटल 24 आदमी है आइसोलेशन में। कल सिरोही विधायक सैम लोढ़ा ने विजिट की थी, उसमें उन्होंने क्वारंटाइन हाउस को सैनिटाइज करने को कहा था, उसके लिए आदेश दे दिया है। जैसे ही हमारे पास 400 लीटर सैनिटाइज आ जाता है, आज या कल में आने वाला है, आते ही हम इसको चालू कर देंगे। कुछ मास्क वगैरह और बार बोर्ड लगाने की भी बात हुई थी उस पर, बिल्कुल बिल्कुल वो भी हमने आदेश दे दिया है, ऑर्डर आते ही हम इनको ये चालू करवा देंगे। अगर ये जिसको आपने आइसोलेट किया है घर में जो होम क्वारंटाइन रखा है, अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रावधान रखा है सजा का? उल्लंघन करता है उसको समझाइज करते हैं, भाई अलग रहे, वो तेरे परिवार की सेफ्टी है, हमारे गांव की सेफ्टी है, हमारे देश की सेफ्टी है, और फिर भी वो नहीं मानता है तो हमने जो आइसोलेशन अलग से किया है उसमें हम पुलिस के हाथ उसको ले जा करके और वहाँ हम रख देंगे उसको। ठीक, धन्यवाद। दूसरा, हमने ग्राम पंचायत मंडार और ग्राम पंचायत में भावा साहब के सहयोग से अभी तक आज तक 8,251 लोगों को 8 दिन से खाना वितरण कर रहे हैं और उस पर भामा साहब द्वारा 1,65,020 रुपये का खर्चा किया गया है। और सबको जो निराश्रित है, मजदूर वर्ग है, गरीब है, उन सबको दोनों टाइम भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरा, जो पैदल या कोई फंस जाता है तो उनको भी हम मानवता के नाते भोजन उपलब्ध ग्राम पंचायत और जो भामाशाह है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। एवरेजन कितने पैकेट रोज के अगर बांटे जाए? एक टाइम के 600 करीब पैकेट वितरण हो रहे हैं दिन में, 1100 से 1200 करीब दोनों टाइम भोजन उनको पहुँचाया जा रहा है और व्यवस्था बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है और पूरा ध्यान रख रहे हैं। हमारे ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं ये आपके लिखित और ऑफिशियल आंकड़े हैं या ऐसे अंदाजे? ये हम गवर्नमेंट को भी ये आंकड़े भेज रहे हैं और ये आंकड़े गवर्नमेंट को पढ़ने जाते हैं और जो बढ़ते हैं तो हम बढ़ा के वो आंकड़े सरकार को भेजते हैं। ठीक, हमारी ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि है, हमारी सरकारी मशीनरी है, वो पूरा 24 घंटा यहाँ रख के इसकी मॉनिटरिंग करती है और पूरी सेवा में तत्पर है। ठीक, धन्यवाद।